हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देवजी के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत काल, जो कि 1206 ईस्वी से स्टार्ट होता है और आपका 1290 ईस्वी तक रहता है, जहां पर आपके गुलाम वंश, जैसे आपका खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ये आपके पांच वंश यहाँ पर राज्य करते हैं। उनसे संबंधित हम लोग 100 से ज़्यादा आपके प्रश्न ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। बस वीडियो को आपको पूरा देखना है और हमारा एक फ़र्ज ये होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर को बताने से पहले आपको उसका बेस बताएं। वीडियो हमारे जितने भी हैं सभी आपके 30 मिनट के ऊपर मिलेंगे, क्योंकि हम पहले बेस समझाते हैं, बेस के बाद ही आपको टेस्ट पेपर सॉल्व कराते हैं। अगर आपको बेस नहीं पढ़ना है तो वीडियो को आधा कट कर दीजिए, मतलब आगे पहुंच जाइए, आप टेस्ट पेपर ही लगा सकते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपका पहला वंश जो कि आपके दिल्ली सल्तनत काल का है, आपका गुलाम वंश। तो गुलाम वंश में कितने शासकों ने शासन किया है? आपके 11 शासक ने किया है, जो कि इलवारी वंश से संबंधित रहते हैं, ठीक है ना। कितने शासक राज किया गुलाम वंश में? 11 शासक। कौन कौन है तो उनको देखिए। पहले आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, जिनकी राजधानी क्या थी? लाहौर थी। इनका शासनकाल 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक चलता है। इसके बाद इनका पुत्र आता है आराम शाह, जो कि ये सिर्फ एक साल चलते हैं। यहाँ पर आपका 11 होना चाहिए, 1210 से 1211 इनका शासनकाल होता है। जो कि ये दोनों आपके होते हैं किस वंश से? एक कुतुबी कबीले से। अगर आपका क्वेश्चन पूछे कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस कबीले से थे, तो आपके कुतुबी कबीले से, अर्थात कुतुबी राज्य से संबंधित थे। अब नेक्स्ट हमारे आते हैं इल्तुतमिश, ठीक है ना, इल्तुतमिश। तो पॉइंट याद रखना कि इनका लगभग एक साल कार्यकाल रहा है आपका आराम सा, तो इस कारण से इनका 1211 से स्टार्ट होगा। यहाँ पर मिस प्रिंट है, तो 1211 से 1236 तक इनका कार्यकाल रहता है। अर्थात इल्तुतमिश की राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी दिल्ली। याद रखना, जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थी इनकी राजधानी लाहौर थी, लेकिन इल्तुतमिश जो राजधानी है यहाँ से आपकी दिल्ली बन जाती है। इसके बाद इनका छोटा सा पुत्र होता है रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज जो होता है वो अल्पावस्था में राजगद्दी पर तो बैठ जाता है, लेकिन माता जो थी इनकी, ठीक है, माता जो थी इनकी रुकनुद्दीन की, सात रुकाना, उनकी मदद से गद्दी पर बैठता है। लेकिन इनकी जो इल्तुतमिश की बेटी होती है रजिया सुल्तान, ये क्या कह सकते हैं कि इनको हटाकर अपने खुद गद्दी पर बैठ जाते हैं। और रजिया सुल्तान का शासनकाल चलता है 1236 से 1240 ईस्वी तक, ठीक है। और ये आपके किस वंश से संबंधित है? आपके सम्मी वंश से संबंधित, अर्थात जो आपके यहाँ पर इल्तुतमिश थे, ये आपके जो वंश चलता है आपका सम्मी वंश चलता है। और इसके बाद रजिया सुल्तान के बाद 1240 में डाकू की हत्या की वजह से रजिया सुल्तान मर जाती हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पहली ऐसी मुस्लिम शासिका बताइए जो भारत में राज किया था, तो रजिया सुल्तान। मृत्यु के बाद जो आपके बहराम शाह आते हैं, ये आपके दो साल रहते हैं 1240 से 1242। इसके बाद अलाउद्दीन महमूद शाह रहते हैं, जो क्वेश्चन आपके बनेंगे अभी ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये रहते हैं आपके, जो कि दो साल ये भी रहते हैं। इसके बाद आते हैं नसरुद्दीन महमूद, ये आपके 20 साल रहते हैं 1246 से 1266, ठीक है, नसरुद्दीन महमूद शाह। और ये जो हैं बलबन के दामाद थे, ठीक है, बलबन ने अपनी बेटी की शादी कर दिया था और इनका शासनकाल 20 साल था। इनसे एक क्वेश्चन होता है कि कौन ऐसे शासक थे दिल्ली सल्तनत में जो टोपी सिलकर जीवन यापन करते थे, तो नसरुद्दीन महमूद थे, ठीक है ना। अब आते हैं जो कि गयासुद्दीन बलबन। बलबन अपनी क्रूरता की वजह से जाने जाते हैं, जिनका शासनकाल 1266 से स्टार्ट होता है और 1287 तक चलता है। सिजदा और पैबोज, रक्त और लौ जैसी नीति बलबन ने चलाई थी। हम आपको थोड़ा सा बेस की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन मेन आपका फोकस करना है टेस्ट पेपर लगाने का, ठीक है। मान लो कि आप किसी की क्लास लाइव लेते हो, तो हम नहीं जानते और नहीं हम ये कह रहे हैं कि आपको लगभग एक घंटा में आपको पूरा दिल्ली सल्तनत ख़त्म कर देंगे, कोई ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो हम एक घंटे में क्या, उसके पहले पूरा पूरा दिल्ली सल्तनत काल, पूरे पाँच वंशों को विद कॉन्सेप्ट के साथ ख़त्म करने का दावा रखते हैं और आपको पूरी तरीके से संतुष्ट भी कराएंगे, ठीक है। बस अगर आप लगे रहते हैं मेहनत करने में, तो यह वादा हमारा है कि आप 100% पूरा सिलेबस कर पाएंगे एग्जाम से पहले, ठीक है ना। यहां पर देखिए गयासुद्दीन बलबन है, इसके बाद आते हैं इनका जो पुत्र होता है कैकुआत, ठीक है, 87 के बाद ये मृत्यु होती है और लगभग 3 साल कैकुआत रहते हैं।
और कैकवाद के बाद इनका जो अंतिम वंश आता अंतिम दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो होता है राजा वो आपका क्यूमर्स होता है, ठीक है। और ये 1290 मतलब कुछ ही दिनों तक होता है क्यूमर्स। ये आपके बलबनी वंश थे, अर्थात बलबन किस वंश से संबंधित है, बलबनी वंश से। इस प्रकार से आपका दिल्ली सल्तनत समाप्त होता है। दूसरा आपका आता है खिलजी वंश, ठीक है, खिलजी वंश। और खिलजी वंश में आपके 5 शासक होते हैं, याद रखना कितने शासक, 5 शासक आपके होते हैं। पहले आपके हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और इसके बाद इनका जो शासनकाल चलता है 1290 से 1296 चलता है। इसके बाद आते हैं सबसे जो कि अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल लगभग आपका चलता है 20 वर्ष, देखिए 96 से स्टार्ट होता है और 16 तक जाता है, अर्थात 1296 से 1316 तक ईस्वी आपका सॉरी 1296 से 1316 ईस्वी तक इनका शासनकाल अलाउद्दीन खिलजी। बहुत ही अच्छा शासक होते, क्वेश्चन आपके यहीं से बन के जाए जी, ठीक है ना। और इसके बाद आते हैं शिहाबुद्दीन उमर। शिहाबुद्दीन उमर ये आपके हैं, और शिहाबुद्दीन उमर ज़्यादा दिन नहीं रहते हैं, सिर्फ 35 दिन रहते हैं। और इसके बाद आते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी कह सकते हैं कि ये एक नंगे वस्त्र वगैरह इस प्रकार से ज़्यादा इनका शासनकाल नहीं चलता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का। और 1320 में इनसे जो राजपाट लगभग होता है समाप्त होता है। लेकिन यहाँ पर जो होते हैं नसरुद्दीन खुसरो खां, इनका कार्यकाल थोड़े दिन तक रहता है, 15 अप्रैल से 7 सितंबर तक रहता है। और 1320 में इनका खिलजी वंश समाप्त होता है। और नेक्स्ट आता है आपका तुगलक वंश, ठीक है, कौन सा आएगा आपका तुगलक वंश। तो देखिए आपका तुगलक वंश जो आपका है, तुगलक वंश में आपके कितने शासक हैं, 9 शासक हैं। आपको गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक है, पहली नहर बनाने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को ही जाता है, ठीक है। भारत में पहली नहर बनाने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था जौना खां। कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु का कारण इनका पुत्र ही था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। और इनको एक लकड़ी के महल से एक हाथियों की परेड चलवा देते हैं और यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद आपके आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की जो होती इनकी 5 कई प्रकार की परिवर्तन है, जैसे राजधानी परिवर्तन और सांकेतिक मुद्रा प्रचलन, दोआब क्षेत्र में वृद्धि, और आपकी जैसे कह सकते हैं कि कराची अभियान, ऐसे बहुत अभियान पढ़ाते हैं। हमने बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था लेकिन सबसे पागल भी था, इसीलिए इतिहासकार इसे पागल बादशाह के नाम से भी जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है ना। इनकी नीतियाँ असफल हो गई। इसके बाद आपके आते हैं फिरोज शाह तुगलक, और ये अकबर के पूर्वगामी कहे जाते हैं। अकबर अर्थात अकबर की तरह ये पहले से ही कार्य कर चुके थे आपके फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करें तो फिरोज शाह तुगलक एक ऐसे हैं जो मतलब कि नहरों का जाल बिछाने वाले पहले हमारे कौन थे, फिरोज शाह तुगलक थे। फिरोज शाह तुगलक के आते हैं आपके गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड हैं, और इसके बाद आपके आते हैं अबू बकर शाह, और इसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह सेकंड, इसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह। देखो जो जरूरी नहीं है उन पर कोई मतलब नहीं निकालते। अब आपके ये जो तुगलक वंश है, तो तुगलक वंश जैसे ही आपका दिल्ली से देवनागरी स्थापित करते हैं गयासुद्दीन तुगलक, तो वहाँ पर क्या होते हैं स्वतंत्र शासक, जो कह सकते हैं कि 2 स्वतंत्र शासक बन जाते हैं जो कि दिल्ली में रह जाते हैं आपके नसरुद्दीन महमूद शाह, और आपके फिरोजाबाद में हो जाते हैं नसरुद्दीन शाह रह जाते हैं, ठीक है। तो ये समाप्त होता है आपका जो कि तुगलक वंश है। और नेक्स्ट आपका आता है सैयद वंश। तो देखिए सैयद वंश एक ऐसा वंश है जो कि यहाँ पर 4 वंशों ने अर्थात 4 शासकों ने शासन किया है सैयद वंश में, ठीक है। सैयद वंश से ज़्यादा कोई खास नहीं होता है, और इनके शासनकाल में एक बड़ी विपत्ति आ जाती है, और इसके बाद यहाँ पर सैयद वंश में जो खिज्र खां आते हैं शासक बनते हैं, ठीक है। पहला आपके हैं कौन से, खिज्र खां। तो खिज्र खां 1414 से 1434 तक चलते हैं, और मुबारक शाह भी आते हैं, और मुबारक शाह को ज़्यादा कोई खास रोल नहीं रहा आपके इतिहास में। नेक्स्ट किसके बाद आपका था अलाउद्दीन आलम शाह, इनका भी कोई खास नहीं रहा, ठीक है। मतलब कि जो आपका ये सैयद वंश है जो ज़्यादा खास क्वेश्चन आपके देखे नहीं जाता है, मेन आपका देखे जाता है लोधी वंश। तो याद रखिए कि जो 5वां वंश आता है आपका लोधी वंश आता है, और ये पहला आपका अफगान वंश है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इतिहास में पहला अफगान वंश कौन है, तो लोधी वंश। सेकंड आपका अफगान वंश कौन होता है, तो आपका सेकंड अफगान वंश होगा जब आपके आ जाएंगे शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी आपके अफगानी जो कि सेकंड अफगानी थे, ठीक है। तो पहला राजवंश अफगानी कौन है, लोधी वंश। यहाँ पर आपके 3 शासक होते हैं मेन। एक लोधी वंश के 3 शासक कौन से हैं, आपके बहलोल लोधी।
मतलब कि बहलोल रिद्धि आपकी लोधीवंश संस्थापक थी। ये बहलोल अर्थात कि बहलोली नामक सिक्के के प्रचलन किया था कि इन्होंने बहलोल लोधी। और इनका शासनकाल 51 से आपका 89 तक चलता है, 51 से 89 तक चलता है। और याद रखना कि जो इतिहास में सबसे ज़्यादा आपके इन्हीं का रहे हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा जीवित रहे दिल्ली सल्तनत में बहलोल लोधी ही रहे। सिकंदर लोधी की बात करें तो सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना किया था और गजे सिकंदरी नमक पैमाना जो कि भूमि मापने के लिए किया था। इनका शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक चलता है। नेक्स्ट आते हैं इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी जो आपके हैं, इनसे क्वेश्चन आपका बहुत ही बढ़िया बनता है क्योंकि ये 1517 से स्टार्ट होता है 1526, क्योंकि बाबर का युद्ध होता है इब्राहिम लोधी से। और इब्राहिम लोधी एक ऐसा शासक था जो दिल्ली सल्तनत काल में एकमात्र ऐसा शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था, वो भी इब्राहिम लोधी। किसने मारा था? आपके जो बाबर थे। अर्थात आपने 5 वंश पढ़ लिया 11 मिनट में, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करिए। अब स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट पेपर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका लाइक तो बनता ही है क्योंकि यहाँ पर एक पूरा पूरा दिल्ली सल्तनत काल आपको ऐसे बेस से पढ़ा दिया और जितना नॉलेज हो सकता था उसको भी हमने यहाँ पर दे दिया। तो एक पॉइंट आपको और पढ़ना है, ये पॉइंट आपका है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत उसका तो ज्ञान होना चाहिए। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, इसका शासनकाल 1210 से 1236 होता है। और इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत काल के स्थायित्व के लिए अनेक कार्य किए, जैसे कि तुर्कान एक चहलगामी अर्थात 40 तुर्क सरदारों का गठन किया था जो इल्तुतमिश है, और विरोधियों का दमन किया था। नवीन प्रकार के सिक्कों जैसे कि चांदी के सिक्के आपके चलाए थे, ठीक है। और एकता प्रणाली भी किसने चलाया था? आपका इल्तुतमिश ने ही चलाया था, ठीक है। और नेक्स्ट आपका दिया है कि इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की थी, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक आपका था इल्तुतमिश। ये क्वेश्चन आपके कुछ महत्वपूर्ण थे। अब आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपको वंशों के क्रम के अनुसार, और आपको लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको लगाना है। और हमने बता दिया कि लगभग आपका 12 मिनट में हमने आपको बेस समझा दिया है, और अब आपको लगाना है टेस्ट पेपर और 100 क्वेश्चन लगाना है और आपको मन लगा के लगाना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को हम डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। लगभग 40 मिनट के अंदर पूरा पूरा आपका इतिहास अर्थात जो कि दिल्ली सल्तनत काल है पूरा समाप्त करने का प्रयास करेंगे। दिल्ली सल्तनत काल अर्थात गुलाम वंश, एक पॉइंट याद रखना, जो गुलाम वंश है इसका एक दूसरा नाम होता है एक दास वंश, क्योंकि गुलामों को हम लोग दास कहते हैं, ठीक है, दास कहते हैं। देखिए इस वंश को देखा जाए तो मामलुक वंश भी कहा जाता है, इस वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं। तो कह रहा है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक पूछा है तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, लेकिन अगर यहीं पर वास्तविक संस्थापक बोल देता तो आपका इल्तुतमिश होता, ठीक है ना। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल आपका 1206 से स्टार्ट होता है और 1210 ईस्वी तक रहता है, ठीक है। और यह आपका मोहम्मद गोरी का गुलाम था जिसे नियुक्त किया था गोरी ने, और वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर जो कह सकते हैं कि राज किया था, इसने कितने दिनों तक? तो आपका 1206 से 1210 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, इल्तुतमिश, ठीक है ना। देखिए फरवरी 1229 में बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था, और खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान करते हुए उसके द्वारा विजित प्रदेशों को उसे शासक घोषित कर दिया। और इल्तुतमिश का शासनकाल जो चलता है आपका, हमने बताया था कि 1200 कहीं पर 10 होता है और कहीं पर 11, तो 1211 से लगभग आपका 1236 तक चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर भारत में चांदी का टका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? हमने बताया था कि जो इल्तुतमिश था वो आपका चांदी का टका भी अपना इन्होंने किया था। देखिए इल्तुतमिश के द्वारा शुद्ध अरबी के सिक्के भी चलाए गए थे, और इसी ने चांदी का टका एवं तांबे का जीतल प्रचलित किया था, ठीक है। और चलिए, और वो जो सिक्के थे उस पर आपके खलीफा शब्द भी अंकित हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है
कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। तो आपको बता दें कि सुल्तान जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनकी मृत्यु यहाँ पर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा कि चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व अर्थात घोड़े से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हुई थी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे और इसने अपने लाहौर को अपनी राजधानी बसाया था और वहीं पर चौगान खेल रहे थे। ठीक है, और चौगान खेलते समय ये कह सकते हैं कि वो आधुनिक वर्ड नाम जो चौगान है उसे हम लोग पोलो के नाम से जानते हैं, जो चौगान है इसे पोलो के नाम से जानते हैं। तो ये खेलते समय घोड़े के गिरने से मृत्यु हो गई और लाहौर में इनका मकबरा भी बना। याद रखना कि इनका मकबरा कहाँ पर है, लाहौर में दफनाया गया है। ठीक है, और वह दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने मोहम्मद गोरी ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। ठीक है ना, एक पॉइंट आपको यहाँ से जाते जाते आपको बता दें कि ये लाखों का दान देने के कारण इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। ठीक है, और एक पॉइंट याद रखना कि इसकी एक उंगली टूटी होने के कारण वह ऐबक कहलाता था। अर्थात जो ऐबक शब्द जोड़ा गया है तो इसकी एक उंगली टूटी हुई थी, इस कारण इसे ऐबक कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, जितनी जानकारी हमें मिल सकती है हम आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन आपको ज्ञान पूरा पूरा हो जाएगा। कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में कौन सा सत्य है, तो देखिए आपका कौन सा सत्य है, तो आपसे पहला कह रहा है खोखरों को परास्त कर गोरी जब गजनी वापस जा रहा था तो उसने भारत में अपने विजित हुए प्रदेशों का प्रतिनिधि ऐबक को नियुक्त किया। बिल्कुल राइट आंसर है इसका। सेकेंड आपसे कह रहा है कि औपचारिक रूप से ऐबक 25 जून 1206 को गद्दी पर बैठा, ये भी सही है। और थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं, थर्ड नंबर कह रहा है कि ऐबक ने अपने नाम के कोई सिक्के नहीं जारी किए, ये भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कि दिल्ली सल्तनत काल में एक ऐसा शासक का नाम बताइए जो अपने खुद के सिक्के नहीं जारी किए, तो आपका ये दिल्ली सल्तनत काल का एकमात्र है जो कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है, और इसके बाद आपका चौथा पॉइंट है कि राजरोहण के समय ऐबक दास्ता से मुक्त नहीं हुआ, अर्थात कि जब ये राज्य में बैठा था राजा बना था फिर भी ये दास्ता से मुक्त नहीं हुआ, अर्थात स्वतंत्र शासक नहीं कहलाया। ठीक है ना, और इसके बाद आपका जो पांचवा वर्ड है कि इसने सुल्तान की पदवी ग्रहण की, तो आपका पांचवा ये क्वेश्चन आपका कह सकते हैं कि गलत है क्योंकि इसने अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया था। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था, अर्थात सत्ता से हटाने में किसका साथ हुआ था, तो 6 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, तुर्कों का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासक थी जो तुर्कों की सहायता से 1236 में दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। यहाँ पर सत्ता मतलब कि बैठी थी, ये वर्ड होता है इसका बैठना। ठीक है, तुर्कों की सहायता से गद्दी पर बैठी थी और इसने दरबार में तुर्कों का वर्चस्व समाप्त करते हुए गैर तुर्की को भी सामंत नियुक्त किया था, जिसे अमीर तुर्कों ने अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अंत में सत्ता से हटा भी दिया गया था। याद रखना कि 11 अक्टूबर 1240 ईस्वी में कैथल के पास रजिया की हत्या कर दी गई थी डाकुओं के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गयासुद्दीन बलबन के संबंध में सही नहीं है, तो जो बलबन का सही नहीं है तो उसका ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, उसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी। ये गयासुद्दीन बलबन कह रहा है, ये गलत है क्योंकि इसका प्रतिपादन जो एकता व्यवस्था थी ये आपके किसने किया था, ये कह सकते हैं कि एकता प्रणाली को मोहम्मद गोरी ने प्रारंभ किया था, परंतु इसको अच्छी तरीके से जो चलाने का श्रेय दिया जाता है तो आपकी कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश को जाता है। हमने बताया था कि जो एकता व्यवस्था चालू किया था आपका इल्तुतमिश ने चालू किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम इकतादार था, लेकिन यहाँ पर जो इल्तुतमिश है उसको माना जाता है आपकी एकता व्यवस्था को। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। अभी हमने बताया था कि आपकी दिल्ली सल्तनत काल में रक्त और लौह की नीति अपनाई थी बलबन ने। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ठीक है, कि गयासुद्दीन बलबन ने रक्त और लौह की नीति को अपनाते हुए अमीरों व विद्रोहियों को कठोरता से दमन किया और उसने राजस्व की विचारधारा का प्रतिपादन किया और यह विचारधारा के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर खुदा व ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। अर्थात जो बलबन है ये कहता था हम खुद भगवान हैं, अपने आप को खुदा कहता था। ठीक है, और सुल्तान का ये कहता था कि सुल्तान का निरंकुश होना तो ये स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, एक राजा को निरंकुश होना चाहिए, इसका मानना ये था।
ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आपका जो आपका खिलजी वंश आ चुका है। हमने बता दिया कि आपको पूरे नॉलेज यहाँ पर देंगे। और खिलजी वंश की बात करते हैं तो कह रहा है कि किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है, तो द्वितीय सिकंदर के नाम से जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो खिलजी कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर ए सानिया था द्वितीय सिकंदर घोषित किया था। क्यों? क्योंकि वह विश्व विजेता बनना चाहता था और उसका जो शासनकाल था दिल्ली में 1296 से 1316 तक इनका रहा था और अपने साम्राज्य विस्तार अर्थात दक्षिण से मदुरे तक कर चुका था। ये जो आपका खिलजी था, खिलजी की एक यही खासियत थी, खिलजी वंश इसलिए प्रचलित हुआ क्योंकि ये उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक ये विजित किया था, तो वहाँ पर जीता था, दक्षिण से मदुरे तक यहाँ पर विजित अर्थात वहाँ पर जीत चुका था। ठीक है, ये कुछ पॉइंट आपके रहे हैं जो इनका एक खिलजी वंश आपका उजागर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर 10 नंबर कि बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई, तो बाजार अधिनियम नीति जो लागू की गई थी ये लागू की गई थी ऑप्शन राइट आपका सी नंबर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ये होता क्या है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार अधिनियम को अपने प्रमुख सैनिकों के रख रखाव के लिए प्रारंभ किया था जिसका उद्देश्य था कि कम खर्च पर विशाल व केंद्रीकृत सेना को रखना। ठीक है, मतलब रख संभव रखना था। देखो तीन प्रकार खिलजी ने एक ऐसे कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने तीन प्रकार के बाजारों की व्यवस्था की थी। क्या क्या, तो प्रथम था अनाजों का बाजार, दूसरा था कपड़ों एवं अन्य सामग्रियों का बाजार और तीसरा था सराय ए अदल, कहा जाता है कि तृतीय था घोड़ों मवेशी और गुलामों का बाजार। ये तीन प्रकार के बाजार थे इनके एक मार्केट बाजार में। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, तो देवगिरी का जो शासक था वो था आपका इनमर रामचंद्र देव। ठीक है, रामचंद्र देव था जो अलाउद्दीन ने मलिक काफूर, ये जो आपका देवगिरी पर आक्रमण किया था किसके नेतृत्व में किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो देखिए ये जो युद्ध किया था तो अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी अर्थात यहाँ पर 1307 ईस्वी में तथा तेलंगाना में भी युद्ध किया था 1309 ईस्वी में और एक और आपका पड़ता है होयसल जो कि 1311 ईस्वी में अभियान किया था। किसके नेतृत्व में, तो मलिक काफूर से। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण भारत का जो विजय किया था अलाउद्दीन खिलजी किसके नेतृत्व में, तो मलिक काफूर के नेतृत्व में किया था और उसने देवगिरी के यादव जो थे राजा रामचंद्र देव को पराजित किया और राजा रामचंद्र देव ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से कर दिया जिसके बदले अलाउद्दीन ने उसे 1,00,000 टंका और एक स्वर्ण छत्र एवं एक राय राशन की उपाधि प्रदान किया था जो कि रामचंद्र शिव को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं जो कि आपका स्टार्ट होता है तुगलक वंश। तुगलक वंश में कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक की निम्न योजनाओं को उनके काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका जो काल क्रम हो जाएगा कौन कौन सा होगा, तो पहला आपका होगा दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, मतलब कि कह सकते हैं कि पहला आपका दिया दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि और ये आपकी की गई थी 1325 ईस्वी में, 1325 ईस्वी में। दूसरा आपका आता है राजधानी परिवर्तन, ठीक है, कौन आता है राजधानी परिवर्तन, यहाँ पर मतलब क्रम आपको बताना है, तो दो राजधानी परिवर्तन हुई थी आपकी 1326 ईस्वी में। फिर आता है संकेतिक मुद्रा का प्रचलन, तो ये आपका आता है 1329 ईस्वी में और खुरासन अभियान जो आपका आता है ये आपका 1330 ईस्वी में। ये ईस्वी याद रख लेना, इसलिए हमने आपको बता दिया है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, या देख लो हमने यहाँ पर बता भी दिया है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग सरकारी अस्पताल और दफ्तर ए रोजगार बनवाया था, ये बनवाया था ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर जो आपके फिरोज शाह तुगलक थे। फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल है जनहित के कार्यों व ब्राह्मण व हिंदुओं विरोधी के रूप में प्रसिद्ध रहा है और इनके काल में दीवान एक खैरात अर्थात कह सकते हैं कि असहाय व गरीबों की मदद के लिए आपका एक विभाग था दीवान एक खैरात और दास विभाग एक बनाया था दीवान ए बंदगान। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फिरोज शाह तुगलक की पास एक दास विभाग था जिसका नाम था दीवान ए बंदगान और एक था सरकारी अस्पताल जिसका नाम था दारुल शफा, मतलब एक विभाग था दारुल शफा जो कि सरकारी अस्पताल के लिए था और एक था आपका दफ्तर ए रोजगार की स्थापना भी किया था। ये कुछ पॉइंट आपकी फिरोज शाह तुगलक से संबंधित थे। अब चलते हैं स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक अर्थात ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा कि फिरोज शाह तुगलक, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक था।
ठीक है ना। और इस कर के विरोध में दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल कर दी थी तथा अंत में दिल्ली के हिंदुओं ने ब्राह्मणों के बदले स्वयं इस कर को चुकाने का निर्णय लिया। और फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का प्रथम कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है और इसे सल्तनत युग का अकबर भी कहते हैं। याद रखना कि फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था। तो मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। याद रखना कब आया था, तो आपका आया था 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और यह अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। कहाँ का था, अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। और उसकी एक पुस्तक है आपका जो इब्न बतूता है, इसकी पुस्तक बहुत बार पूछा गया, रेहला। क्या नाम है आपका, इसकी पुस्तक का नाम है रेहला। रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक की शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता को दिल्ली की काजी नियुक्त किया गया। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि इब्न बतूता को दिल्ली का क्या चुना गया था, तो दिल्ली का काजी चुना गया था, जो कि आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, दर्शन शास्त्र में। अर्थात कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, हमने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक शिक्षित विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। इसने दिल्ली में 1325 ईस्वी से 1351 तक शासन किया और वह अरबी फारसी भाषा का विद्वान था तथा खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित, तर्क शास्त्र आदि में पारंगत था। राजमुंद्री अभिलेखों से उसे दुनिया का खान कहा जाता था। तो एक राजमुंद्री भाषा थी, तो राजमुंद्री अभिलेख से उसे पता चलता है कि दुनिया का खान कहा जाने वाला आपका मोहम्मद बिन तुगलक ही था। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है कि दिल्ली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। 17 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, जो हिंदुओं के त्यौहार होली में भी शामिल हुआ था। और इसने नस्ल और वर्ग विभेद को समाप्त करके योग्यता के आधार पर अधिकारियों को नियुक्त करने की नीति अपनाई थी। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार इसी के शासनकाल में हुआ था। ये भी पॉइंट याद से आपसे पूछ लेता है कि दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। लेकिन इसकी क्रूर नीति के कारण राज्य में विद्रोह आरंभ हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। अर्थात दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है और ये बताया है कि सुल्तान को, तो ऑप्शन राइट 18 का हो जाएगा, सी नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है ना, इतिहासकारों ने कहा है कि ये विरोधों का मिश्रण है। क्यों, क्योंकि इसके अधिकांश बौद्ध नीतियाँ, जो मतलब कि अधिकांश नीतियाँ थी वो सैद्धांतिक होती थी, ना कि व्यवहारिक। वह ज्ञानी तो था परंतु वर्तमान की स्थिति को न देखकर वह भविष्य की नीतियों का अधिक जोर देता रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसने सन 1329 ईस्वी से 1330 ईस्वी के मध्य तांबे के सिक्कों के प्रतीकात्मक रूप में मुद्रा चलाई थी। तो 1329 से 1330 ईस्वी के मध्य तांबे के सिक्के के प्रतीकात्मक रूप चलाया था किसने, तो ऑप्शन राइट 19 का हो जाएगा, सी नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक। हमने अभी बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 से 1330 ईस्वी के मध्य चांदी और सोने के सिक्के के स्थान पर तांबे के प्रतीकात्मक मुद्रा का प्रचलन में लाया, परंतु लोगों ने अपने घरों में टकसाल बनाकर मुद्रा का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया, जिससे यह नीति असफल रही। और इसकी प्रेरणा सुल्तान ने मंगोल शासक, जो कि कह सकते हैं कुबलाई खान से ली थी। ये जो आपकी नीति थी, कुबलाई खान ने दिया था कि ऐसा आप करिए। ठीक है, और मुद्रा निर्माताओं का राजकुमार भी इसी कहा जाता है, क्योंकि जो चमड़ा अमड़ा सिक्के थे इसी ने स्टार्ट किया था, तो इसलिए मुद्रा निर्माताओं का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। 20 नंबर आपसे कह रहा है यहाँ पर कि दौलताबाद, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी, वह स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो आपका दौलताबाद स्थित है। 20 का ऑप्शन राइट आपका बी नंबर, औरंगाबाद में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी प्रथम नीति के तहत राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, अर्थात कह सकते हैं कि वर्तमान में आपका
औरंगाबाद में स्थानांतरित किया था और यह कार्य पूर्णतः असफल रहा था। पुनः अपनी राजधानी दिल्ली ले आया और दौलताबाद नगर की स्थापना किया। यादव नरेश जो कि भिल्ला, ठीक है, भिल्ला ने की थी इस दौलताबाद नगर की स्थापना, ठीक है। और दौलताबाद को देवगिरी भी कहा जाता है, जो आपका दौलताबाद है उसे देवगिरी भी कहा जाता है, ठीक है ना। और दौलताबाद का जो नाम था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिया गया था दौलताबाद, ठीक है, समझ गया सब पूरा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है अब सैयद वंश व लोधी वंश का कंबाइंड है, ठीक है। सैयद व लोधी वंश आपका स्टार्ट होता है, कह रहा है कि निम्नलिखित को काल क्रम अनुसार कीजिए, अर्थात सबसे पहले कौन आया, ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है। तो पहले आपका आता है इलबारी तुर्क अर्थात गुलाम वंश, यहाँ पर आपका इलबारी तुर्क जो कि गुलाम वंश होता है और ये आपका 1206 से 1290 तक चलता है। फिर आपका आता है यहाँ पर खिलजी वंश, खिलजी वंश जो कि आपका कह सकते हैं आपका 1290 से 1320 ईस्वी तक चलता है। फिर आपका आता है यहाँ पर तुगलक वंश, तुगलक वंश कह सकते हैं कि आपका 1320 से 1414 होता है। फिर आपका आता है सैयद वंश जो कि आपका 1414 से 1451 ईस्वी तक चलता है। और लास्ट आता है आपका लोधी वंश जो कि कह सकते हैं कि 1451 से 1526 तक आपका ये चला था, अर्थात इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मिलान करने पर, तो आपका यहाँ पर बनेगा डी नंबर 45132, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पर हमने दे दिया है इसको, ठीक है, देख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, कह रहा है कि लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था। लोधी वंश, तो लोधी वंश स्थापित किया गया था आपका सी नंबर बहलोल लोधी के द्वारा। देखिए बहलोल लोधी ने अंतिम सैयद शासक जो कि अलाउद्दीन आलम शाह को हटाकर लोधी वंश की स्थापना की थी और इस वंश का शासनकाल जो चला था आपका 1451 से 1526 तक चला था, ठीक है ना। और बहलोल लोधी अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा जो कि साहू खेल से संबंधित थी और वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठा, अर्थात जो बहलोल लोधी था इसने कभी सिंहासन का प्रयोग नहीं किया था। लोगों के साथ मस्ती से रहता था, जैसे लोग रहते थे उनके खड़े रहने पर खुद खड़ा रहता था और इसने सिंहासन का प्रयोग नहीं किया। किसने? बहलोल लोधी ने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, कह रहा है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो आपका कौन था, 23 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, अर्थात इब्राहिम लोधी था, ठीक है। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था और बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया एवं मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। इब्राहिम लोधी युद्ध पर मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम व अंतिम सुल्तान भी था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी। ये बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था, ये लिखता था आपका सी नंबर आपका सिकंदर लोधी लिखता था, ठीक है। सिकंदर लोधी जो कि आपका गुलरुखी फारसी में कविताएं लिखता था, ठीक है, गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था और वह शिक्षित और विद्वान था। सिकंदर लोधी एक योग्य शासक सिद्ध हुआ और इसने भूमि की मापन एक गजे सिकंदरी हमने बताया था कि प्रचलन कराया था। एक पॉइंट होता है कि चुंगी तथा व्यापारिक कर हटा दिया था इसने, जो सिकंदर लोधी था ये चुंगी तथा व्यापारिक कर हटा दिया था। लगाया किसने था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया था, ठीक है, जिससे अनाज कपड़ा आवश्यकता की अन्य वस्तुएं सस्ती हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है 25 नंबर कि आगरा शहर का संस्थापक कौन है। हमने अभी बताया था कि आगरा शहर का जो संस्थापक है आपका डी नंबर सिकंदर लोधी है। कौन है? सिकंदर लोधी। और इसने जो शासनकाल इसका होता है सिकंदर लोधी का, ये आता है 1489 से 1517 ईस्वी तक रहता है और इसने 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। कब? 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी एवं 1506 ईस्वी में उसने राजधानी भी बसा लिया था, आगरा स्थानांतरित कर लिया था, ठीक है। और जो सिकंदर लोधी ने मुहर्रम और ताजिया निकालना बंद कर दिया था, जो सिकंदर लोधी था इसने मुहर्रम और ताजिया निकालना बंद कर दिया था तथा मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं का रूप प्रदान करके उन्हें शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयत्न किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है 26 नंबर कि दिल्ली सल्तनत की किस सुल्तान द्वारा अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों के समूह चालिका को समाप्त किया था। हमने कहा था तुर्की चहलगामी जो था उसको समाप्त किसने किया था, तो आपका बलबन ने किया था। ऑप्शन राइट 26 का सी हो जाएगा बलबन, अर्थात बलबन ने अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों के 40 समूह को समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि यह समूह सुल्तान के विरुद्ध होने के षड्यंत्रों का केंद्र था। बलबन स्वयं समूह 40 का सदस्य रह चुका था, इसलिए वह उसकी षड्यंत्रकारी गतिविधियों से अवगत था, ठीक है। और
नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजस्व सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की थी? तो राजस्व सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या करने वाला ये शासक आपका था 27 का ऑप्शन राइट आपका ए नंबर बलबन था, ठीक है। और इसने राजस्व सिद्धांत का विस्तार की व्याख्या किया था सर्वप्रथम। कह सकते हैं कि बलबन दिल्ली का प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने अपने राजस्व सिद्धांत की विस्तार पूर्वक व्याख्या की थी। उसके राजस्व सिद्धांत के महत्वपूर्ण एक तत्व थे कह सकते हैं कि राजवंश, अर्थात राजा को राजवंश से संबंधित होना चाहिए। राजस्व को दैवी संस्था मानते हुए भगवान ने मतलब बलबन ने कहा कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, अर्थात नियामत एक खुदाई होता है, अतः उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। मतलब कि बलबन ने ईश्वर शासक तथा जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंधों को राजस्व का अधिकारी बताना चाहता था आपका बलबन, ठीक है। ये स्टार्ट हो गए आपके जो कि यहाँ पर, और अब आपकी स्पीड होंगे, मतलब कि हमने पूरा निचोड़ आपको बता दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दिया, और लगभग आपके अभी 60 प्रश्न बाकी हैं जो कि आपके दूसरे हैं वही क्वेश्चन, लेकिन अब ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हम स्पीड में बढ़ेंगे, व्याख्या नहीं करेंगे इसकी, ठीक है। कह रहा आपसे यहाँ पर कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा गुलाम वंश संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो लाख बख्श के जाना जाने वाला आपका है कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी ए नंबर आपकी लाहौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थानांतरित किया था? तो ये स्थानांतरित किया था आपका इल्तुतमिश ने स्थानांतरित किया था, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक 23 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो प्रथम महिला शासिका थी 24 का ऑप्शन राइट है ए रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्नलिखित में से किसके काल में आया था? तो मंगोल आक्रमणकारी जो चंगेज खां आया था ये आया था बी नंबर आपका इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था, मंगवर्नी का पीछा करते हुए। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो वही ऑप्शन होगा कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने जो आक्रमण किया था अपने भारत पर, तो 26 का सी नंबर आपका इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो किसे नियुक्त किया था? 27 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, मलिक जानी को बिहार में अपना सूबेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो हमने बताया था कि उनको बैठाने और हटाने में भी जो हाथ था वो किसका था? 28 का ऑप्शन राइट सी नंबर तुर्कों का था। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो दिल्ली के सुल्तान बलबन का जो पूरा नाम था वो क्या था आपका? ऑप्शन राइट 29 का हो जाएगा सी नंबर गयासुद्दीन बलबन था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि दिल्ली के कुछ सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी, तो रक्त और लौ की नीति अपनाई थी बी नंबर आपका बलबन ने चलाया था, ठीक है। हम स्पीड में इसलिए क्योंकि पहले हमने इसको अच्छे से बता दिया है। नेक्स्ट कह रहा है अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण किया था, तो ये जो उपाधि थी इसने उपाधि धारण किया था 31 का जिल्ले इलाही, ठीक है। जिल्ले इलाही अर्थात खुद को भगवान कहने वाला आपका उपाधि किया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ कराया था? तो देखिए नए पॉइंट तो आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं कि टेस्ट दूसरा है तो नए कॉमन कुछ नहीं, तो आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो नौरोज को आरंभ करवाया था कौन? तो 32 का ऑप्शन राइट आपका ए नंबर आपका यहां पर हो जाएगा। देखो ये टेस्ट आप अगर लगा रहे हैं तो ये समझिए कि आपको जल्दी जल्दी फास्ट रिवीजन हो जाएगा और हर एक क्वेश्चन रट जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि जब उसने राजस्व अर्थात राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों, अर्थात जो सैयद होता है तो सैयद के नियमों और आदेशों के पूर्णतः स्वतंत्र था, बरनी का यह कथन कि सुल्तान के लिए कहा गया था, तो ये कहा गया था ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर अलाउद्दीन खिलजी के लिए। नेक्स्ट कह रहा है आपसे क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं तो पूरा पूरा दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था?
तो कौन सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था, 34 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ये अलाउद्दीन चलाना चाहता था, लेकिन उलेमाओं ने इनका विरोध किया। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी। अगर सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करने वाला ये शासक था दिल्ली का, 35 का ऑप्शन राइट बी नंबर हो जाएगा आपका, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है, तो 36 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, जफर खां की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 36 का ऑप्शन राइट ए नंबर आपका। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम बताइए। तो इनके रानी पद्मी का जो पति का नाम है, 37 ऑप्शन राइट हो जाएगा राणा डी, राणा रतन सिंह थे। ठीक है, राणा रतन सिंह। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, अभी आपने पढ़ा था, ऑप्शन राइट आपका ए नंबर, रामचंद देव थे। ठीक है, रामचंद देव थे। नेक्स्ट कह रहा आपसे यहाँ पर कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी। तो खालसा भूमि जो अधिक पैमाने में विकसित हुई थी, 39 ऑप्शन राइट अब बी नंबर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार अपनाया था। ये बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मूल्य नियंत्रण पद्धति सबसे पहले किस मुस्लिम बादशाहों में अपनाया था, तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 40 का ए नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने ये अपनाया था। नेक्स्ट कह रहा आपसे यहाँ पर कि बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। तो बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी 41 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने वाला ये मध्यकालीन शासक था, ऑप्शन राइट 42 का हो जाएगा आपका सी नंबर, फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट कह रहा आपसे तुगलक वंश से संबंधित कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था। तो ये देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का सेना अध्यक्षों में था और ये तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान भी बना था, तो यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा 43 का ऑप्शन ए नंबर आपका, गाजी मलिक था, ये आपका तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान भी बोला गया था। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था। तो देश में राज्य करने वाले डी ऑप्शन हो जाएगा, तुगलक वंशों ने सर्वाधिक समय तक राज्य किया था। ये भी पॉइंट बहुत ही बार पूछा गया है कि सर्वाधिक समय तक राजवंश किया था, तो तुगलक वंश ने सर्वाधिक समय तक राज्य किया। नेक्स्ट कह रहे आपसे यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र गणित एवं आयुर्विद्या सहित अनेक विधाओं में माहिर था, तो ऑप्शन राइट 45 का हो जाएगा सी नंबर, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये बहुत ही पढ़ा लिखा था। नेक्स्ट कह रहा आपसे यहाँ पर कि अमीर ए को ही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था सी नंबर आपका, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी। तो ये बनाया था डी नंबर आपका, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि दीवाने को ही किससे संबंधित है। तो दीवाने को ही संबंधित है आपका ए नंबर, मोहम्मद तुगलक से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली ले गया था, तो दिल्ली से कहां पर ले गया था। तो 49 का ऑप्शन राइट ए नंबर, दौलताबाद ले गया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। ये आदेश दिया था डी नंबर आपका, जो कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। कह रहा आपसे कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, तो ये किसने किया था, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। मूर या कह सकते हैं मोरक्को, ठीक है, तो ये शासनकाल में आया था, 52 का ऑप्शन राइट हो जाएगा ए नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में था, जिसने रेहला नामक पुस्तक भी लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा आपसे कि इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त करने वाला ये सा सकता आपका 53 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था। तो सल्तनत काल में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है कि किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था, आपका 54 का ऑप्शन राइट आपका यहां पर हो जाएगा बी नंबर, जो इब्न बतूता है, इसने ही व्यवस्था का विवरण दिया था। 54 का ऑप्शन राइट आप बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा आपसे
कि घरी अथवा ग्रह कर अर्थात घरी कर अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ये सुल्तान का नाम है आपका बी नंबर अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ये सुल्तान का नाम है आपका बी नंबर आपका मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट कह रहा आपसे क्वेश्चन, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही स्पीड में, हमने पहले भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया इस वजह से स्पीड में बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर इतनी स्पीड में कभी पढ़ाया हो, लेकिन यहाँ पर वीडियो इतना लॉन्ग हो रहा है और आपको ज्ञान मिल भी चुका है, तो हमारा मानना है कि हम स्पीड में पढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कह रहे आपसे, इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? ये बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो डी नंबर आपका है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर ये कहा गया था, ठीक है, बदायूं ने कहा था। नेक्स्ट कह रहे आपसे, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, रोजगार कार्यालय की स्थापना किया था? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा 58 का आपका यहाँ पर डी नंबर, फिरोज शाह तुगलक, जो कि अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है, इसने रोजगार दफ्तर की स्थापना किया था। नेक्स्ट कह रहा आपसे यहाँ पर, देखिए दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग जो था दीवान एक हैरत नमक स्थापित किया था, ये आपका सुल्तान है जो कि आपका बी नंबर फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सुल्तान जो सर्वाधिक गुलाम थे ये किसके दरबार में, लगभग 1.80 लाख आपके थे, मतलब 1,80,000 गुलाम थे, ये आपके शौकीन थे गुलाम पालने के, तो ऑप्शन राइट आपका 60 का यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, तो डी नंबर फिरोज शाह तुगलक थे, ये दान जो कह सकते हैं कि दासों को पालने में बहुत माहिर थे और ये लोग पालते भी थे, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट कह रहा है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, तो सर्वाधिक जो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया था ये किया था 61 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह कौन था? तो 62 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, 62 का सी फिरोज शाह तुगलक था, ये बहुत ही ज़्यादा नहरें बनवाया था। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि हक के ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अर्थात सिंचाई कर जो लगाया था वो लगाया था किसने? तो 63 का ऑप्शन राइट डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। नेक्स्ट कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो दिल्ली का सुल्तान था जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, 64 का ऑप्शन राइट बी हो जाएगा, ये फिरोज शाह तुगलक थे जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट कह रहा आपसे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फसलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था? तो फसलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए जो उपाय किया था, 65 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर अर्थात फिरोज शाह तुगलक ने किया था, जो फसलों अर्थात फलों के लिए गुणवत्ता सुधारने के लिए कार्य किया था। नेक्स्ट कैसा है, जो कि आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया 66 नंबर, कि टोपरा और मेरठ से दो स्तंभ जो कि लेख दिल्ली कौन लेके आया था? तो टोपरा और मेरठ का जो अभिलेख लाए थे अशोक के द्वारा बनवाया गया था, ये लेके आया था, 66 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर आपका फिरोज शाह तुगलक लाया था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक, मतलब कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था, 67 का बी नंबर आपका फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश, जो दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में कौन सा था? तो अर्थात तुगलक वंश का अंतिम शासक था 68 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, नासिरुद्दीन महमूद, ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग, जो कि एक पैर का लंगड़ा था, और इसने जो भारत में आक्रमण किया था ये किसके शासनकाल में थी? आपको लगभग सबको पता होगा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर अर्थात नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर लंग भारत पर आक्रमण किया था और 200 साल की संपत्ति लूटकर भाग गया था, अर्थात लेके चला गया था। नेक्स्ट कह रहे तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग जो आया था वो 1398 ईस्वी पर आपके भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट कह रहे हैं तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस राजवंश का स्थापित हुआ था? ठीक है, तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? ये राजवंश हो जाएगा 71 का ऑप्शन बी हो जाएगा, सैयद वंश का हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि लोदी वंश से, लगभग थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं। कह रहा है कि लोदी वंश में कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से मध्यकालीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? फिर क्वेश्चन पढ़ लीजिए,
निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? ये आपका जो शिक्षित था, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। ये मध्ययुगीन शासकों में एक उच्च शिक्षित था, ठीक है। लेकिन शास्त्रों का ज्ञान हमने बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक का था, ठीक है। ऐसा तो ऑप्शन वो है नहीं है आपका, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? ये परास्त किया था, ये नंबर आपका खातोली युद्ध में परास्त किया था इब्राहिम लोदी को, कौन? महाराणा सांगा ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की न्यू डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? ये श्रेय जाता है आपका सिकंदर लोदी को जाता है, ठीक है, सिकंदर लोदी को जाता है। और इसके बाद हमने पूरे पूरे क्वेश्चन आपको कवर करा दिए, जितने भी हमारे पास क्वेश्चन थे आपको कमेंट करके बताना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। आपको कमेंट करके बताना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन आपका है विजय राय ने, ऑप्शन बी है हरिहर सेकंड ने, ऑप्शन सी है हरिहर और बुक्का ने, और ऑप्शन डी है बुक्का सेकंड ने, ठीक है। आपको कमेंट करना है विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा है और आपको लगा है कि नहीं सर हमारे साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े वीडियो बिना रुके एक ही सांस में बनाते चले जा रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए। और फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।